मीनाक्षी जी पंजाब तो नहीं, और मीनाक्षी जी ने दसिया कि उन्होंने पता नहीं सी और ये शादी हुई है, और डॉली जी कहते हो ही नहीं है। कमाल की गल है, बट कुकिंग सुख लोग साढ़े लोग की करते हैं कि तुम मैरिज जो लव मैरिज करवा तो बहुत कुछ वेखना चाहिए है, और तुम जलों कुछ वेखते नहीं हो एकदम फैसला ले लेंगे हो तो थोड़ा समस्या आ सकती है। सुन ये डॉली कह रही है कि असी तो कोई पैसा नहीं लिया, मेरे भरा ने शादी करनी सी, आह प्रॉब्लम आई है, ये थानू भी आ सकती है। सो ये स्टोरी कवर करने का मकसद साढ़ा यही है डॉली का भी कि तुम सोच समझ के फैसला लाओ, कोई अच्छा रिश्ता लभो, फिर तुम शादी करो। और हम इन्नी स्केर्ड है और मसी बच के पंजाब से ये कह दी मैं आई हूँ और घबराने की लोगों को लोड़ नहीं है। मैं पब्लिक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। सो सब इससे इसके ब्रदर का नंबर लीजिए और आस्क हिम इफ वी कैन टॉक टू अस। तो मैं कुछ कॉल लेना चाहता हूँ सेम टाइम से। सो मेरे साढ़े लोग कॉल कर, और डॉली जी घबराए हुए है, और डॉली जी के साथ तुम गल करना चाहते कॉल कर सकते हो। नंबर फोर कॉलर, सत श्रीकाल जी। आपको जे मालूम होना चाहिए कि जे इतने गुंडे होते तो जो पहली उसकी शादी हुई है तो उस समय उसके ब्रदर कहाँ थे, सो उसके डिवोर्स ना होने देते। सो आपको घबराने की कोई लोड़ नहीं है। सो ये सभी कुछ झूठ है, कोई गुंडा नहीं है, कोई आपको नहीं मार सकेगा, जो आपका माइंड फ्री रखिए। डॉली जी आप सुन रहे हैं और होल्ड कीजिए, मैं डॉली जी के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ और कॉल लेना चाहता हूँ कि साढ़े लोग की कहना चाहते हैं। सो होल्ड कीजिए। हाँ जी रंजोत जी लाइन ते की कहना चाहते डॉली जी नो। जी डॉली जी जट भरा मेरे उत्थे आड़ी ने लुधियाने विच तुहाडी बाह वल नहीं कोई देख सकदा, तुसीं मेरना चले सो। डॉली जी हिंदी पंजाबी बोलन दे जा रहे, तुसीं पंजाबी बोलो डॉली जी ने। डॉली जी हां जी जट भरा मेरे आड़ी ने लुधियाने च, ये कहंदे कि मेरे समझ नहीं आ रही लुधियाने विच इन्हां ने ब्रदर ने और कोई भी आपको जट भरा गन्ना वाले ने ताड़ी हवा वाली कुछ देख सकदा। डॉली जी मेरे 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 साथ चलो आप। डॉली जी आप जे घबराते हैं तो जो हमारे कॉलर हैं ये कहते हैं हमारे साथ चलो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जी जी थैंक यू आई सी थैंक्स कॉलर। नंबर 3 कॉलर गुरजोत लाइन तक की कहना चाहते डॉली नु। ਬਸੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। अच्छा जी बासी साहब ये थोड़ा जहा फिशी लग रहा जी मैं, पर इन्हों का डरन की लड़ नहीं, आए नहीं कोई कर सकता, जिम्मे कॉलर आए ने वो लै जाएंगे इन्हों जो एड्रैस वगैरह दस दिन लै जाएंगे आके जी। कौन लै जाएंगे इन्हों, कोई कुछ नहीं ले जा सकता डॉली जी नू। डॉली जी हाँ जी हाँ आप सब घबरा रहे हैं, डोंट वरी आपको किसी से भी खतरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लड़की आपको डरा रही है, धमका रही है, आपने कुछ लिया नहीं है, सो वो झूठ बोल रही है। कैसे प्रूफ करेगी आपने उससे पैसे लिए है, शादी नहीं हुई, आपका ब्रदर जेड़ा है इंडिया नहीं गया। मैनू समझ नहीं आ रही एक बात की कि आपका ब्रदर गोवा में गया, आपका ब्रदर और कहाँ मिला उसको ब्याह से पहले, कौन कौन सी कंट्री? श्रीलंका में। श्रीलंका में, श्रीलंका में। इंडिया में क्यों नहीं गया आपका ब्रदर? तो ये तो मेरे भाई से पूछो ना फोन करके, वो इंडिया क्यों नहीं गया उसको मिलने। इन्हां दे ब्रदर ने फोन चक्या सी जब उन्होंने दसिया तो उन्होंने फोन काटता दे, उस बाद चों चक नहीं रहे। आई सी। सो ये समस्या एक फिशी है कि आपका ब्रदर उसको मिलने के लिए पंजाब क्यों नहीं गया, ये बताएं। ये हमको जब श्रीलंका गया था ना तब भी हमको नहीं बता के गया था वो इस लेडी से मिलने जा रहा है, वो ये बोल के गया कि वो वोकेशन पे जा रहा है। नहीं आई नो, पर श्रीलंका गया पर इंडिया क्यों नहीं गया, ये बात दो बारी मिला है, गोवा में गया है और श्रीलंका गया। नहीं नहीं इंडिया में जून में मई में मैंने इसको भेजा है कि अपनी बहनों से इस परिवार को मिलवा, फिर अच्छी लगेगी, फिर हम आगे बात करेंगे। तब ये गया था मई में 2019 में, तभी तो ये इसको गोवा घुमाने ले गया था। अच्छा, इंडिया में जाकर फिर गोवा में लेके गया था।
हाँ घुमाने ले गया था, वहाँ पे इसने ड्रिंक की थी लेडीज ने, वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी। इसने कोई रिलेशन भी बनाया है इसको, उसको बोला कि हाँ, इसने रेप बनाया। हाँ श्रीलंका में भी बनाया था रिलेशन इन्होंने, और फिर बाद में एक मिन्ना जब रहा था ना, ये रिलेशन ही बना था आपस में, मिन्ना कट्ठे ही घूमते फिरते रही थे ये। जिस करके जे लेडी कह रही है कि मेरे को रेप किया है। हाँ और मीनाक्षी जी कह रहे हैं मेरे को रेप किया है अब, तो जिस करके ये चक्कर चल रहा है। होल्ड कीजिए, नंबर फोर कॉलर क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं डॉली जी थानू आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप सारी फैमिली एक तरफ और आपका ब्रदर एक तरफ, वो कहता है कि मैंने शादी करनी है और आप कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है लड़की, तो उसको अलग कर दो, नहीं करनी हमने ऐसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं और बाकी अपना ब्रदर आप वहाँ पे लगा हुआ है? नहीं आप, मैं बताती हूँ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये श्रीलंका मिल के आया था तब हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी लेडीज के बारे में, जब ये श्रीलंका इंडिया जब हम इसके साथ ही, तो मेरी बहनें गई थी, इसके परिवार वालों को मिले हैं, इसकी मम्मी इसके भाई भाभी भतीजे को सबको मिले हैं, बता के आए हैं कि न्यूयॉर्क में इसका डिवोर्स फाइल किया हुआ, उसका वेट कर रहे हैं, जब डिवोर्स फाइनल हो जाएगा तो हम इसकी शादी करने आएंगे। उसके बाद ही लड़का लड़की घूमने गए हैं, घूमने पे नहीं अभी अभी जो सीन चल रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि लड़का कह रहा है कि मैंने शादी करनी है और घर वाले कह रहे हैं कि मैंने नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि तू शादी करो यहाँ पे, मैं सिर्फ सिंपल यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, नहीं नहीं, लड़का तो अभी शादी करना चाहता ही नहीं, उसे लड़का तो अभी मना ही कर रहा है, कहता मुझे इसके तो अभी फोन क्यों नहीं उठा रहे फिर, अब जब चल रहा है सब तो फोन भी कर रहे हैं, टाइम भी आप वेस्ट कर रहे हैं, तो फोन तो उठाना चाहिए ना कम से कम। हाँ तो फिर भाई को आना चाहिए ना, अपनी बात रखे, अगर उसको प्रॉब्लम है तो बताए ना दुनिया को कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ये तो नहीं सीन चल रहा है कि वो वहाँ से बात कर रहा है, वो कहता है मैं शादी करूंगा, यहाँ से आप लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो सही नहीं है। आपके पास मीनाक्षी का नंबर है इंडिया का? जी हाँ है, एक नंबर तो है जिस पे मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करती थी, अब पता नहीं वो चलता है या नहीं चलता, मुझे श्योर नहीं है, पर अभी है वो नंबर मेरे पास। आर यू रेडी टू टेक दैट नंबर टू डायल आउट? ओके जी, थैंक यू थैंक यू। मीनाक्षी का नंबर अपने इंडिया का? डोली चोपड़ा जी, बादशाह आपके पास जे हर कोई आदमी जिसकी हो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है मुश्किल है आपके पास आता है भाग के, तो डोली जी बड़े अच्छे हैं, तो आप उनकी प्लीज मदद करो। और दूसरी बात है जे इनके भाई का रिश्ता जो हुआ है, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हुआ है पंजाब में, तो आप मदद करो। लेकिन मैंने भी अपने सोर्स से बात की है, लेकिन वो सिद्धू जी का नंबर लगाया था वो तो वैष्णो देवी चले गए, उनका आगे नंबर नहीं लग रहा करके, तो चन्नी साहब वो भी बैक हॉल शायद करेंगे, वो क्रिकेट में या किसी में मशरूफ है करके, तो प्लीज आप मदद करो, अगर वो फोन पिक करते हैं बैक कॉल करते हैं तो मैं आपको बैक कॉल करता हूँ जी। अच्छा मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। असी नंबर वन कॉलर की कहना चाहते हो? नमस्ते बासी साहब जी। नमस्ते सर, मैं हिंदी में गल करूं या पंजाबी में बात करूं? थोड़ी चॉइस है, मीन टू बी ऑनेस्ट हिंदी मैं इनी के आई डिसरिस्पेक्ट एनी लैंग्वेज और मेनू नहीं आती हिंदी, बट सी नहीं नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं हिंदी आप। नो ओके, यू कैन स्पीक एनी अच्छा, लैंग्वेज हिंदी में बात करता हूँ। हाँ बोलिए। आपने बासी साहब वो वीडियो देखी वो पंजाब में चल रही नवजोत सिंह वो मंत्र दागा है आप पर? आओ कल असी लाई सी वीडियो दिखाई सी, पर इस वेले गल करो तुसी डॉली जी ना। डॉली जी कुछ आपने डॉली जी की हेल्प करो, मैं तो आपसे बात करनी थी, उसे हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं आप, बहुत अच्छा है। थैंक यू बासी साहब। नो कॉम्प्लीमेंट्री, एक्चुअली मैनू हिंदी नहीं बोलनी आती, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं पंजाबी ब्रॉडकास्टर क्षेत्र में हूँ तो हिंदी बोलना भी चाहिए मेरे को, बट कम आती है जितनी भी है सो ठीक है, कम चलेगा। सो डॉली जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मीनाक्षी चोपड़ा जी की भी साइड लें और उसका भी पक्ष लें, हो सकता है कि आपके ब्रदर ने उसको टॉर्च किया होगा मेंटली और आपने ये बोला है उसके साथ रिलेशन भी बनाई है, ये ट्रू है कि आपने ब्रदर ने उसके साथ रिलेशन बनाया? आपको कैसे मालूम है कि आपके ब्रदर ने उसके साथ रिलेशन बनाया है?
भाई ने बताया था कि मेरे रिलेशन बने हैं उसके साथ। हाउ यू आस्क योर ब्रदर, आपने अपने भाई के साथ कैसे बात किया रिलेशन की? अब सिस्टर ब्रदर ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हमने जब ये ना कंप्लेन दर्ज हुई थी ना, जब कंप्लेन आई थी हमारे पास, उसके अंदर लिखा हुआ था रेप। मीनाक्षी जी लाइन पे है गए, ठीक है, ओके। सो मीनाक्षी जी, हम बासी शो कनाडा से कॉल कर रहे हैं, आपका सत्कार है हमारे सर के ताज है। आप पंजाबी बोलेंगे हिंदी में बात करते हैं? आप सर हिंदी या पंजाबी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, तुसी साडे रिस्पेक्टेड हो, वेलकम टू शो। सो आपकी ना बहुत शिकायत किया है डिपार्टमेंट हमारे को, लीगल पैनल से ये कंप्लेंट मिली है अमेरिका से। डॉली चोपड़ा जानती है कौन है मीनाक्षी जी अपने? मीनाक्षी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मिस्टर योगेश कुमार सुखीजा जी की सिस्टर हैं। हाँ, मैं वो आपके बारे में पूछा है कुछ लोगों से कि आप बड़े अच्छे घराने के लोग हैं, बड़े अच्छी फैमिली थोड़ी, थोड़े ब्रदर्स जेड़े ने वेल नोन है, वेल रिस्पेक्टेड आपके फैमिली है। सो मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ, सो आप हमारे सर दे ताज हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी मीनाक्षी जी, कितनी उम्र आप जी दी? अराउंड 43 सर जी? नहीं सर, 40 और 40 है। आप वेल्यू एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना? हाँ जी सर। कितनी एजुकेशन है आपकी मीनाक्षी जी? ग्रेजुएशन सर। ओके, सो आपकी पहले शादी हुई थी और शादी में कोई प्रॉब्लम पड़ गई? सो दिस इज डिफरेंट इशू, क्योंकि सब लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ वापर जाता है। सो आपने फिर आपको कोई लड़का मिला, उसका नाम जगेश है? हाँ जी। कनाडा में? नो, अमेरिका में। बताए थे? नहीं सर, अमेरिका में। अमेरिका में, यूएस। सो आपकी उसके साथ शादी होनी तय हो गई थी? सर आप मतलब किस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं, मैं बता रहे हैं आपको कि डॉली चोपड़ा जी लाइन पर हैं, वो कह रहे हैं कि आपने उसके भाई को कुटिया या मारिया या साढ़े ते एलिगेशन ला दिते या कि असी पैसे मंगते हैं बला 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 के हुण ओह असी शादी नहीं करना चाहते। मैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुसी फिर ओहदे नाल रिलेशन क्यों बनाए है, ओहदी लाइफ नूं खराब किया, तुसी जिम्मेवार हो। वो कह रही कि फेक इसने इनफॉरमेशन पुलिस नूं दित्ती है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਲੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 376 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ 420 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੋਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਡੋਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨੋ ਕਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਆਈ ਟਰਸਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਦੀ। डॉली जी हाँ जी, एक मिनट मीनाक्षी जी होल्ड कीजिए। डॉली जी इस वे मीनाक्षी जी अपने हकों की खातर वो डिस्टर्ब हुए ने, थोड़े हस अपने ब्रदर ने उन्होंने डिस्टर्ब किया है और उन्होंने नाल रिलेशन बना के उन्होंने नाल धोखा किया है, जिस करके वो कोर्ट के विच केस है। हाँ जी जी जी, मेरी एक बात सुनो, वो ब्रदर। हाँ बोलिए डॉली जी, बोलिए आप। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि इसकी कंप्लेन आने के बाद ही मैंने कंप्लेन किया, मैं ये सच बोलूंगी क्योंकि हमें नहीं पता था ये मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाई, क्योंकि ये जो करने वाली है डोली चोपड़ा है, श्रीलंका में हमें भेजने वाली डोली चोपड़ा है, इनसे ये पूछो इनकी और मेरी बात पहले कब हुई थी,
ये मार्च या फरवरी में श्रीलंका जाते हैं और मैं मार्च 26 को इनसे बात करती हूँ, तो इनका मेरा रोल ही नहीं था श्रीलंका वाला तो। और ये कहती है कि मैंने इनसे 20 लाख मांगे हैं, अगर ये कोई प्रूव करती है तो मैं 40 लाख इसको दूंगी। अगर ये प्रूव करती है कि रिटर्न में लिख के देती कि डोली के वर्बली कोई ऑडियो है इसके पास, डोली 20 लाख रुपया मांगती है, तो मैं यहाँ पे पूरी पब्लिक के सामने बोलती मैं इसको 40 लाख रुपया दूंगी। डोली जी, डोली जी बात सुनो, आपके आपने ये मेरे को बताया कि हम लोग चेक करना चाहते हैं, मीनाक्षी के साथ बातचीत हुआ था, आप हमारे कुछ सिस्टर आएंगे आपके घर देखेंगे आप कैसे डिवोर्स हुआ है, वो है जी है, सो आपकी इन्वॉल्वमेंट तो है। हाँ नहीं, जलंधर गए थे, ये मेरे को बात करने में बहुत अच्छी भी लगी, मैंने ये भी आपको मेंशन किया है। बाद में जब मेरे भाई और इसका झगड़ा हुआ ना, तो ये तब ये बात बढ़ने लगी आपस में, हमारा तो इन्वॉल्वमेंट था नहीं, मेरे को तो ये पहले ही अच्छी लगती थी, मैंने इसे बात एक दो बार की। पर डॉली जी, आप डॉली जी, थोड़े ब्रदर ने इसकी लाइफ को डिस्टर्ब किया, इसकी लाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाया और उसके बाद छोड़ दिया, दैट्स नॉट राइट। ये तो फिर मेरे भाई से सवाल कर लो ना, उनको फोन करो, पूछो मीनाक्षी की लाइफ को क्यों खराब किया, ये तो दोनों ही जानते हैं, ना तो मैं वहाँ थी ना तो मीनाक्षी को भी, मीनाक्षी को भी इंसाफ चाहिए ना, मीनाक्षी भी किसी की बच्चों हाँ। की माँ है और किसी मदर की डॉटर है और अपने भाई की बहनों की बहन है और बेबी समाज की लेडी है, इसका भी रिस्पेक्ट चाहिए ना, मीनाक्षी को भी जस्टिस चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं अपने भाई की फेवर नहीं करूंगी, अगर मेरा भाई कसूरवार है या मीनाक्षी कसूरवार है, ये दोनों ही देखें, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना मेरे परिवार को पता इनके बीच में क्या हुआ, वो चार पांच बार ये लुधियाना इसके साथ रह रह के आया, दो दो महीने घूम के आया, हमें नहीं मालूम ये इंडिया से वापिस आने के बाद इनका क्या होता था। हम लोग तो यही समझाते थे कि तुम लड़ो मत, आपस में बैठ के समझौता करो, मैं तो मेरे भाई को यही समझाती थी, भाई कुछ पहला हो चुका है, दूसरी बार ऐसा मत करो आप लोग, हमारा इसमें रोल नहीं था, इतना ही रोल था कि हाँ इसके साथ बातचीत की, मेरे परिवार वालों को इनके घर भेजा, ये हमारा था रोल जरूर, ये मैं एग्री करूंगी। मेरे मैंने okay, ये डॉली जी प्लीज होल्ड ऑन वन सेकंड, क्योंकि मीनाक्षी भी किसे देती है, और मीनाक्षी बच्चियां दी माँ है, और मीनाक्षी जी थोड़े दो बच्चे हैं। हाँ जी सर। हाँ तो थानू भी इंसाफ चाहिए। मीनाक्षी जी टेल मी ट्रू के जेड़ा थोड़ा हाथ तो साडा थोड़ी मैरिज नहीं हुई, कोर्ट मैरिज होगी जी की थोड़ी कि नहीं आले? नहीं सर, मतलब इन्होंने मैरिज ही फेक की थी, इन्होंने इस बात से बाद में जो इन्होंने फैक्ट सामने आए भी ये ऑलरेडी मैरिज थी बंदा। हाँ हाँ इट्स ट्रू। उठो झगड़ा शुरू है सर, किसी मेटरलिस्टिक चीजों का कोई झगड़ा नहीं है, इन्हों का झगड़ा इतने शुरू है जो इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ही प्रूव नहीं हुए भी ये तो ऑलरेडी मैरिज थी बंदा। मीनाक्षी को बोल दिया था हमारे ब्रदर का डिवोर्स हुआ है, सो मीनाक्षी जी कहते हैं कि मेरे को तो मालूम नहीं है, व्हाई यू लाइंग, मैं आपको ऑडियो भेजूं, आप ऑडियो यहाँ पे फिर ये भी प्रूव कर दे, ये प्रूव कर दे, मैं इनको से बात करके कहा था मेरे भाई का डिवोर्स नहीं हुआ, ये कहती मैंने तब पता है 5-6 साल लग जाएंगे, पर मार्च 26 में मेरी पहली बार वो पब्लिक में ऑडियो रिकॉर्ड कर दो, मैं जब मीनाक्षी जी कह रहे हैं, मीनाक्षी जी ये कह रहे हैं कि उसको मालूम ही नहीं है, इन्होंने मैरिटल रिलेशन में आने के बाद हमें पता चला है, वो मैं बता रही हूँ मेरी एफआईआर में सारी स्टोरी, जब हमने इन्होंने ना कहीं हमारी हनुमानगढ़ जाके देखा, इनकी फर्स्ट वाइफ ने भी इनके ऊपर डीजेक्ट का कोर्ट केस किया हुआ है, उस बात से ये बखला गए कि इनको तो हमारी हिस्ट्री पता चल गई, फिर ये सब भाग गए सर, इसके पहले की सारी फोटोज ये सब कुछ मेरी पूरी एफ आई आर में मैं तो खुद आई हूँ पब्लिक में इंसाफ मांगने की, मैं क्यों भाग गई हूँ, मैं तो खुद आई चल के कि बात पब्लिक को पता चलनी चाहिए कौन सही है कौन गलत है, मैं तो जो इनके दुनिया देख के मैं गलत हूँ, डॉली प्लीज स्टॉप इट, डॉली जी आप प्लीज होल्ड कीजिए, आपकी बात को होल्ड कीजिए, लेट मी टॉक टू मीनाक्षी। मीनाक्षी जी जब आपकी बातचीत शुरू हुई जगेश के साथ, जगेश ने बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा डबो मेरे बच्चे नहीं हैं, उनकी 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 प्रोफाइल तक में भी सिंगल था जिसके प्रिंट आउट आज भी मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा उसने ये बताया मैं सिंगल हूँ अभी भी, उन्होंने अपने आप को डिवोर्सी सिंगल बताया था, ठीक है जी, और उसके बाद जैसे जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन जब बाद में करी क्योंकि ये लोग अपना जो मकसद था ना वो करने के बाद भाग रहे थे, तब हमें थोड़ा शक हुआ, तो हमने इनके बैकग्राउंड जैसे चेक करी हनुमानगढ़ में,
वहां इनका ऑलरेडी पहली वाइफ ने डीवीएक्स का और घर बसाने का एक खासा लगा रखा है वहां पे, और कोर्ट से इनको पैसे देने पड़े हैं। ओके, मैं समझ गया, कोर्ट से पैसे दे रहे हैं। जो वो बच्चे तो अमेरिका में है ना पहली वाइफ के? नहीं सर, अमेरिका में नहीं, वो हनुमानगढ़ में छोड़ गए उसको, उसको लेके ही नहीं गए। वो चिल्ला रही है, उसकी सोशल मीडिया पे जाके देखो, वो तो रो रही है बहनों के ऊपर। डॉली जी, आप कह रहे हैं कि वो बच्चे अमेरिका में हैं? जी, बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, मेरे साथ रहते हैं। नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको उनकी डिटेल, उनकी उसकी भी डिटेल दे सकती हूँ सारी। मीनाक्षी जी कहते हैं इंडिया में है। डॉली डॉट, अरे नहीं भाई साहब, बच्चे अमेरिका में है, हनुमानगढ़ में केस लगा के रखा है, इंडिया में रो रही है, उसको आगे पीछे नहीं। आप एक बार इनकी हिस्ट्री पता कीजिए, आपको, आप खुद रो पड़ेंगे सर सुन के। कमाल है मीनाक्षी जी, बात सुनो, ये बात नहीं है कि आपने मेरे को फोन किया, कंप्लेंट की है तो जो आप कहेंगे वो कह के चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। जहां पर सबको इंसाफ मिलेगा, मीनाक्षी जी को भी, तो डॉली जी आप जी को भी, मीनाक्षी भी हमारे सर के ताज है आपकी। ये बात ये है कि आपके भाई ने मीनाक्षी दे नाल धोखा किया, और मीनाक्षी नू पूरा फर्स्ट वाइफ नाल भी धोखा किया सर। मैं तो चलो बर्दाश्त कर लिया, वो भी बर्दाश्त करके बैठे, पर ये चीज में प्लीज क्राइम में रोकिया जावे, मेरी हाथ बांध के बेनती है सर। बल्कि भी ट्राइंग अब वैसे मीनाक्षी जी, ये चढ़ते एलिगेशन ला रहे, तुसी गोवा वगैरह भी गए से, गोवा वगैरह विजिट करन गए से? सर एलिगेशन लगा रहे इन्हां दे सिस्टर्स, उन्हां दे, इन्हां दे सिस्टर्स दे बच्चे 30-30 32-32 साल दे नूहां पुत्तर सारे गए से सर, मेरे ते क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं? ऐसी नहीं मीनाक्षी, नहीं वो एलिगेशन नहीं है, वो कहते हैं कि वहां पर जब गए तो उधर ट्रबल खड़ी हुई। शादी के बाद सर लेके गए इनकी सिस्टर हमारे घर पे आके, पूरा फंक्शन करके अपने साथ लेके गए हैं वो। अच्छा, होल्ड ऑन, वन सेकंड, होल्ड ऑन मीनाक्षी जी, आप थोड़ी शादी हो गई सगी? सर हाँ जी, इन्होंने फाइनल मेरे नाल शादी का, इन्हां दे पूरा प्रॉपर फंक्शन, इनकी सिस्टर जेडी इंडिया रहंदियां ने वो बकायदा अपने नूह पुत्र दे नाल आके पूरा शगन विहार करके लेके गए ने सर। ओदियां सारियां पिक्स तुसीं मैनूं अपना व्हाट्सएप नंबर दिओ, आपको। डॉली जी उनके पास डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के भी है, तो आप प्लीज इनसे डॉक्यूमेंट मंगवा के पब्लिक में दिखा दो कि बहने आके फंक्शन करके गई है, शादियां करके गई, आप पब्लिक में दिखा दो, मैं आपको परमिशन देती हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, शादी करवा रही हैं, तो आप पब्लिक में शो कर दो। आपकी परमिशन की लोड नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट है, वी कैन शो दैट, सो आई डोंट नीड एनी डायरेक्शन फ्रॉम यू। वो आपको अभी भेज ली है ना व्हाट्सएप पे, आप मंगवा के देख लो कि मेरी बहनों ने कौन सा फंक्शन अटेंड किया है, कौन सी इनकी शादी करवा के गई है, आप देख लो उनसे। So, आप कहते शादी हुई नहीं है, मीनाक्षी कहते शादी हुई है। मैंने तो शादी अटेंड की, जय श्री ठाकुर जी की, जय श्री ठाकुर जी की, ये कहते हैं 3687 PR नंबर 20। होल्ड करें, ओके होल्ड ऑन, बोथ पार्टी होल्ड ऑन, और 5 मिनट्स के लिए हम पब्लिक अपील लेंगे। मीनाक्षी जी लाइन होल्ड करना आप जी ने, और डॉली जी लाइन होल्ड रखिए, मैं पब्लिक अपील लेना चाहता हूँ कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मीनाक्षी जी पंजाब तो ने, और मीनाक्षी जी ने दसिया कि उन्होंने पता नहीं सी और ये शादी हुई है, और डॉली जी कहते हो ही नहीं है, कमाल की गल है, बट्स कुकिंग। सो आओ तुम अपना ओपीनियन दो, और तुम मीनाक्षी जी लाइन च ने, तो दूजे पास मीनाक्षी जी देखे जाए कि मीनाक्षी जी हसबेंड की वाइफ डॉली, तुम हम शादी थोड़ी रजिस्टर हुई है मीनाक्षी जी? रजिस्टर की शादी? रजिस्टर नहीं हुई सर, रजिस्टर नहीं हुई, धार्मिक हुई है। नंबर वन कॉलर गो हेड।